नहीं, ब्याह तलाक तक पहुंच गए, बताइए। अरे नहीं राजनीति आदमी तो खटारा, राजनीति तक खत्म। एक सेकंड भैया, ए राठी साहब, आदमी हर आदमी समझदार है, राजनेता को क्या दोष दे? एक एक दो सेकंड, दो सेकंड अमिताभ, बस मुझे ये बता। अरे गुंडाई करोगे, आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि अग्निवीर बेकार है, और जैसे ही मैं कल पहुंचा मैंने कहा अग्निवीर अच्छा, तो अच्छा कैसे हो गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आज मैं किसी को पोस रहा हूँ, कल जैसे ही मैंने कहा अग्निवीर बहुत अच्छा। एक मिनट, सवाल क्या है? एक मिनट, सवाल जाने का नहीं है, जा सकते हैं आप, ठीक, एक लेकिन आज जिसको मैं खोज रहा हूं, अरे रुक जाओ भाई, अभी रुक दीजिए आवाज, ठीक अभी रुक दीजिए आवाज। विजय राठी, मैं आपको एक अल्टीमेट बात बता देता हूं, हमेशा के लिए भ्रम दूर हो जाएगा, आपका भी बाकी मित्रों का भी, फिर ऐसी डिबेट में कभी आप लोग उलझोगे नहीं। 6 दिसंबर 1992 को जब सरकार चली गई भाजपा की, कल्याण सिंह की, तो उस दौर में मुलायम सिंह ने क्या क्या कहा कल्याण सिंह के लिए, क्या? और कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह के लिए क्या क्या कहा जब इन्होंने गोली चलवाई अयोध्या में? उसके बाद कौरी भरे दोनों, एक ही रंग की टोपी लगाए मंच पे आए कि नहीं आए? तब क्या करेंगे, आए थे ना, आए थे ना, नवेश को गलत ना कह रहा, मौलाना मुलायम कहा था कल्याण सिंह ने, और कल्याण सिंह के लिए 1000 किस्म के कटुवचन मुलायम सिंह ने बोले थे ताकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए। फिर गलवैया हुई कि नहीं हुई, कौरी भर पाए कि नहीं पाए, एक ही टोपी एक ही लाल रंग की लगाए कि नहीं लगाए, और मुलायम सिंह ने कहा आदरणीय कल्याण सिंह जी, और कल्याण सिंह ने भाषण में कहा आदरणीय मुलायम सिंह जी, क्या? हमने तो दौर देखा मित्र, काय को झंझट कर रहे हो? अब आप रोहित से और इनसे झगड़ रहे हो, मालियो जयंत से झगड़ रहे, जयंत से क्या झगड़ा करना? कौन नहीं खेला कूदा, जिसको जिस भाग्य अच्छा मिल गया, जो कुंडी खुली मिल गई घुस गया, उसके यहां लॉटरी निकली आई, नुकसान हो गया, दो ही काम है, लेकिन आदमी शिफ्टिंग तो कर ही रहा। खैर अनुभव, ये विषय इसीलिए मैंने कहा ये विषय दमदार नहीं है। अनुभव चक साहब, मसला वही कि हम कहीं सुन रहे थे, मैं इसको वो नहीं करूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ आने लगा है कि एनडीए की क्लीनिंग भी जरूरी है समय समय पर, जैसे पानी की टंकी में बीच बीच में फिटकरी डालते रहना चाहिए, नहीं तो पानी खराब हो जाता है। हमको कोई बता रहा था कि जो बाई इलेक्शन है 10, इनमें भाजपा ये मन बना रही है कि किसी को कोई सीट नहीं दो भैया ना, क्योंकि ऐसे ऐसे कौतुक हो रहे हैं, गैंगस्टर पेपर लीक कांड में विधायक नपा जा रहा है। अनुभव जी देखिए, अमिताभ जी आपकी डिबेट में ये बात पहले भी रखी कि जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन के द्वारा होगी और सभी लोग देखेंगे, लेकिन जो अभी आपकी डिबेट में बात हुई थी ब्याह और तलाक की, तो ऐसी बातें करने वाले ये भूल गए कि जिस समय समाजवादी पार्टी के गुंडे वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड में जिस नेत्री को मारने के लिए गए थे उसी से बाद में गठबंधन करा था। इसके अलावा जिनके लिए अखिलेश यादव ने कहा था कि अंसारी बंधु बहुत बड़े माफिया हैं, इनको अपनी पार्टी में लेने नहीं देंगे, और श्रीपाल और अखिलेश में इस बात पर तनातनी हो गई थी, उन्हीं के भाई को फिर सांसद बना के दे। तो राजनीति है, राजनीति में आप किसी बात को पकड़ के बैठ के ब्याह और तलाक जैसी बातें करने लोगों को ठीक नहीं है। राजनीति में अपना फायदा देख के तमाम लोगों को रोते देखा, झड़ते देखा। अरे ये बताओ कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे, अरे भाषा पर संयम करना बेटा, मुख्तार अंसारी जैसे को तुमने लेके काम कैसे करा, उसके ऊपर महात्म बनाने चला गया था, तू यह भूल गया था दूसरे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को रोकने का काम करा, तेरा नेता उसके यहाँ महात्म बनाने गया था, बैठ के बात बना रहा है, तू किस चौबीस की बात करता, तुझे तरह किस तरीके से नहीं आती कि तू मुख्तार अंसारी और अभी अहमद पर राजनीति करने का देता था, वह तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे झूठ बोलना चाहिए, किस तरीके का तू आदमी है, किस तरीके के नेता के साथ राजनीति कर रहा है, तुझे शर्म नहीं
दोनों मित्रों को रोकूंगा, भाई भाई रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इतनी गर्मी तो नहीं है, काहे को लड़ रहे हो? अभी तो उमस है लेकिन ह्यूमिडिटी है, लेकिन गर्मी हीट जब तो नहीं है उतनी खर। नाभिको उत्तर प्रदेश की राजनीति इस प्रज्वलनशील बिंदु पर आकर ठहर गई है। मैंने कहा टैंकर में लिखा होता आते प्रज्वलनशील पदार्थ, राजनीति भी वैसी हो गई उत्तर प्रदेश में। कब किसकी कहां नस दब जाए और क्या बवाल शुरू हो जाए पता ही नहीं लगता। हम लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस, क्लेम करती है, नहीं है वो बहस का विषय है। अब ये जो दो नमूने निकले हैं, बेदी राम और विपुल दुबे, स्वाभाविक है ये विपक्ष के तर्कश के तीर होंगे, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, विपक्ष में विपक्ष का काम ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, देश भर में जो नौजवान है उसको विपक्षी समझाने की कोशिश जरूर करेगा ऐसा मुझे लगता है कि भाई देखिए केंद्र यहां है बेदीराम और विपुल दुबे के पास, सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, जेल होगी, रेल होगी, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मेरा मसला है पॉलिटिकली तो नुकसान हो जाएगा, बेदीराम को 5 साल की सजा हो चाहे 50 साल की, उससे देश को क्या फर्क पड़ रहा। नवेश को जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये आगे अगर मामला और भी ज्यादा बढ़ता है तो भाजपा इनको कहीं ना कहीं अपने गठबंधन से अलग भी कर सकती है, क्योंकि पार्टी ऐसे नाजुक वक्त में जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनको हार अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा, ऐसी स्थितियों में ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे संगठनों को, ऐसे पार्टियों को जाति से जुड़ी हुई, उन्हें लगेगा कि इससे हमें वोट तो नहीं मिलने वाला, हमारा एक सामान्य वर्ग, एक पूरा देश और पूरे समाज का वोट का नुकसान हो सकता है, निराशा हो सकती है। मुझे लगता है इनको या तो बिल्कुल निष्क्रिय कर देंगे कि ये कहीं आने वाले समय में ये फायदेमंद भी भाजपा के लिए होगा कि ये कभी जाति के नाम पर आंख नहीं दिखा पाएंगे जैसा सिलसिला शुरू हो गया था। दूसरी बात ये कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो एक सबसे बड़ी बात है कि अब इनके पास कोई घर बचा नहीं है, समाजवादी पार्टी शायद ही अब इनको ऐसे दलों को अपने साथ में लेके अपना पनता हुआ खेल बिगाड़े। बसपा तो एक अंधा कुआं है, वहां जाते भी हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वक्त स्थिति यह है कि ये दल भी दबाव में है और भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है, इनके बीच अगर कोई तलाक होता है, कोई अलगाव होता है तो सबसे बड़ा नुकसान है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक जवाब हो जाएगा कि भैया हमें पता चला, हमने इनको बाहर कर दिया, क्योंकि हम किसी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इनका कोई ठहर ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है, पेपर लीक का मुद्दा देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है नवेद भाई, पार्टी ठीक नवेद, मेरा सवाल, मेरा शो राजनीतिक शो है, ठीक, कोर्ट क्या करेगी, जज साहब क्या करेंगे, और वो उतना तो मैं जानकार नहीं। मैं मानता हूं राजनीति परसेप्शन से चलती है, क्या अगर आपके इलाके में ये परसेप्शन है कि रोहित खराब आदमी है, क्या तो आप किसी भी पार्टी के लिए लायबिलिटी ही रहेंगे। और अगर ये परसेप्शन है रोहित अच्छे आदमी है या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, तो आप एसेट रहेंगे।
अच्छे बुरे दोनों की कह रहा हूं। वैसे बेदीराम और विपुल ये तो स्टैम्प्ड हो गए, ये तो इन पर गैंगस्टर लग चुका था 2006 में और नॉन अवेलेबल वारंट अब जारी हो गया। क्या एनडीए के लिए इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों विधायकों को एनडीए से बाहर करे और ये जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी की लीडरशिप को दो टूक कहा जाए कि इनको बाहर करिए नहीं तो आप भी जाइए। रोहित अग्रवाल, देखिए अमिताभ जी, एक बात तो हमको आपको समझनी पड़ेगी कि राजनीति का दायरा, किसी भी पार्टी का दायरा बहुत बड़ा दायरा होता है। उसमें कोई एक व्यक्ति दागदार हो जाने से पूरी पार्टी के ऊपर वो मैल नहीं मढ़ा जा सकता और हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी नहीं हो सकता। जो चौधरी साहब ने एक टिकट दिया था, अगर आपको भी याद हो वो किस्सा, कि चौधरी साहब ने एक टिकट दे दिया था, उनको संगठन ने आके बताया कि साहब वो शराब पीता है और रात को उल्टी सीधे काम करता है। चौधरी साहब उसी के मंच पे गए और मंच पे जाके उन्होंने जनता से कहा कि भाई देखो मैंने ये टिकट दिया है इस आदमी को, लेकिन ये आदमी गलत है और ये बंसल जी बगल में खड़े हुए हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप वोट इनको दे देना मेरे नाम पे। अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि इनको वोट दे देना, मेरे उम्मीदवार को हरवा देना, और बंसल जी जीत के आ गए और वो हमारा उम्मीदवार जो था वो हार के चला आया। तो हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकता और चौधरी चरण सिंह जी आज इसीलिए तो उनका नाम है ना, उनकी विचारधारा, इसीलिए तो उनकी विचारधारा की बात होती है। आप मुझे बताइए 1947 के बाद कितने नेताओं की विचारधारा की बात होती है? मुझे लगता है इंदिरा गांधी की भी विचारधारा की बात नहीं होती। यहाँ पे कोई नहीं कहता कि इंदिरा गांधी की विचारधारा चल रही है, इंदिरा गांधी का परिवार चल रहा है, खानदान चल रहा है, नेहरू जी का परिवार चल रहा है, खानदान चल रहा है, विचारधारा चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अगर कोई कहीं भी दागदार निकल जाए उस पर कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। ये देखिए ये कोई डरने वाली सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और यहाँ पे शुचिता ही सबसे बड़ा मूल आधार है हमारा। ठीक है रोहित बाबू, चलिए कसौटी सामने है, जनता कस लेगी।